चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही आज की बैठक में उपचुनाव की तारीख का ऐलान करने की बात कही गई थी। आज चुनाव आयोग की बैठक है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि 64 विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनावों की तारीख का भी ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग आज उपचुनाव कराने को लेकर बैठक करने वाला है। बैठक में उपचुनाव की तारीखों और अन्य बातों पर फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही आयोग उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। बता दें कि देश में अभी 64 विधानसभा सीट और एक लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। इन 64 सीटों में से 28 सीटें मध्य प्रदेश की हैं। हाल ही में आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान किया था। माना जा रहा था कि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए आयोग उपचुनाव के बारे में भी जानकारी देगा, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद कई कयास लगाए गए। बिहार चुनाव के शेड्यूल की जानकारी देने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग 29 सितंबर को देश के बाकी राज्यों में उपचुनाव की घोषणा करेगा। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से अधिकतर सीट कांग्रेस के बागी सदस्यों के पार्टी से इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के बाद खाली हुई है। साथ ही 2 सीटें बीजेपी के विधायकों के निधन से खाली हुई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल की एक एक सीट पर उपचुनाव होने हैं। वहीं असम, झारखंड, केरला, नागालैंड, तमिलनाडु और ओडिशा की 2-2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जबकि मणिपुर की 5 सीटों के अलावा गुजरात और उत्तर प्रदेश की 8-8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूपी में 5 सीटें मौजूदा विधायकों के निधन के कारण खाली हुई हैं, जिसमें 4 भाजपा के जबकि 1 सपा के विधायक थे।